Hi everyone, I am Fraz and I have been working at Google for the past 1 year. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा how do I spend my salary living in Bangalore. तो यार सबसे पहला एक्सपेंस आता है house rent. अब house rent काफी ज़्यादा वेरी करता है. कुछ लोग PG में रहते हैं, कुछ लोग फ्लैट शेयरिंग में ले लेते हैं और कुछ लोग जिनको वीडियोस बनानी रहती हैं वो इंडिविजुअल हाउसेज ले लेते हैं. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर अराउंड 10,000. 10,000 में आपको बहुत ही अच्छा PG मिल जाएगा विद मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड. बाकी फ्लैट का तो यार कोई लिमिट नहीं है इन बैंगलोर स्पेशली. सो व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग हाउसेज आई वॉज शॉक्ड. मतलब 80,000, 90,000, 1-1 लाख तक के हाउसेज थे रेंट पे. सो आई गॉट अ डिसेंट हाउस. इट्स अ 1 BHK अपार्टमेंट. तो मेरा रेंट है 16,000, मेंटेनेंस इज 2,500 एंड 500 के आसपास इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है. सो इट इज़ अराउंड 19,000 पर मंथ. ठीक है, बाकी यार आपके ऊपर है, आप जितनी मर्जी उतना खर्च कर सकते हैं. यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देयर इज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. जैसे आप रेंट पे घर लेते हैं सो 6 मंथ्स के आसपास का आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, राइट. बट मेरे ओनर काफ़ी अच्छे हैं सो ही डिड नॉट चार्ज मी दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट. बाकी सबको देना पड़ता है एंड पीचीज में ये अमाउंट आपको नहीं देना पड़ता है. नेक्स्ट एक्सपेंस इज फूड. अब यार होता क्या है, गूगल में तो गूगल का खाना मिलता है विच इज़ वेरी डिलीशियस एंड वेन एवर आई गो टू ऑफिस आई हैव फूड एट गूगल, ब्रेकफास्ट एंड लंच. यूजली डिनर मैं घर पे आके करता हूँ बट देर आर फ्यू डेज व्हेन आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, उन दिनों मुझे अपना खाना ऑर्डर करवाना पड़ता है. देर आर 3 मील्स एंड एक मील का लगभग यहाँ पर 200 के आसपास इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्ज एंड एवरीथिंग 200 के आसपास होता है. द अदर अल्टरनेटिव दैट पीपल यूजली प्रेफर इज टू कीप अ कुक. तो लोग कुक रख लेते हैं, हेल्दी खाना उनको मिल जाता है. और यार मैं कुक इसलिए नहीं रख पाया हूँ बिकॉज मैं ज़्यादातर टाइम या तो ऑफिस में होता हूँ या वीकेंड पे कभी बाहर जा रहा होता हूँ. सो दिस इज़ द रीज़न. और मैं अकेला रह रहा हूँ तो मुझे लगता है कि कुक के एक्सपेंस मेरे इंडिविजुअल के ज़्यादा हो जाएंगे. कुक शेयरिंग में ज़्यादा बेटर रहते हैं. तो यार ब्रॉडली मैं अगर बताऊँ तो 9,000 पर मंथ के आसपास फूड का एक्सपेंस आ जाता है. तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम Crayo.do. Crayo.do एक एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते लर्निंग कर सकते हैं. यहाँ पर आपका एक फेलोशिप प्रोग्राम होता है जिसमें आपके बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से चीज़ें कवर होती हैं. सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल्स, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, वो भी बिल्कुल डिटेल में कवर होंगे. देन आपका आता है डेवलपर्स फंडामेंटल, उसके बाद फिर आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. एंड एट द एंड यहाँ पर आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं, रिज्यूमे बिल्डिंग होती है एंड प्लेसमेंट्स. सो इट इज़ अ प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम जहाँ पर आप लोग की प्लेसमेंट गारंटी ली जाती है. और जो एवरेज पैकेज है यहाँ पर दैट इज़ 11 LPA एंड अप टू 40 LPA यहाँ पर पैकेजेस जाते हैं. तो ये दो लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है. एक तो वो जो स्विच देख रहे हैं या फिर अपना सैलरी हाइक देख रहे हैं, एंड सेकेंड जो लोग अपना नॉन IT से IT फील्ड में आना चाहते हैं. तो यार 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोग को प्रॉपर डाउट सपोर्ट मिल जाएगा. सेकेंड यहाँ पर आपकी वेबिनार्स होंगी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू. और तीसरी चीज़ यहाँ पर आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिल जाएगी, अगेन जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं उनके थ्रू. तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है. लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्री क्लास का, डेफिनेटली यू कैन रजिस्टर एंड चेक इट आउट. ठीक है, अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ट्रैवलिंग. आई ट्रैवल यूजुअली ऑन वीकेंड्स. आइदर आई गो टू अ कॉलेज तो एयरपोर्ट का चक्कर लग जाता है वीकेंड पे, और आई गो टू मीट समवन ऑन वीकेंड्स. सो यहाँ पर कैब के जो चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं. तो 1,000 के आसपास का खर्चा तो आपका आ जाता है. एंड इफ़ यू विल कंसीडर 8 वीकेंड्स इन अ मंथ तो लगभग 8,000 के आसपास कैब में खर्च हो जाते हैं. इट इज़ बेटर टू हैव अ व्हीकल, बट यार व्हीकल में यहाँ पर ट्रैफिक की भी हालत ख़राब हो रखी है तो आई डोंट प्रेफर दैट. ये आप बिल्कुल बचा सकते हैं. सो यू कैन ट्रैवल इन बसेज, यू कैन डू रैपिडो. रैपिडो जो बाइक होती है उसमें काफ़ी कम आपके चार्जेस लगते हैं. आई प्रेफर कैब और ऑटो, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है. सो यू कैन सेव ऑल ऑफ दीज थिंग. अब यार लोगों को ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, लोग ट्रिप्स वगैरह मारते रहते हैं, चिकमंगलूर, मुन्नार, पौंडीचेरी वगैरह. बट यार मैं ज़्यादा ट्रिप्स नहीं मार पाता, मेरी ट्रिप्स यूजुअली कॉलेज ट्रिप्स होती हैं. सो व्हेन अ कॉलेज इनवाइट्स मी आई गो देयर. ठीक है, बाकी व्हेन एवर आई गो टू मीट अ ओल्ड फ्रेंड और समवन इन बैंगलोर तो लगभग महीने में 2 बार, नॉट मोर देन दैट, तब थोड़ा बहुत खर्चा होता है. एंड दैट इज अराउंड 2,000 आइदर लंच और डिनर. सो मान सकते हैं कि 4,000 के आसपास आपका आउटिंग में खर्चा हो जाएगा. बट इफ़ यू लव ट्रैवलिंग यू विल ईजिली बी स्पेंडिंग अराउंड 8,000 to 10,000. नेक्स्ट इज लाइफ स्टाइल. अब यार इसमें क्या आ जाता है कि मुझे स्पोर्ट्स खेलना थोड़ा पसंद है, सो आई गो टू बैडमिंटन, उसका कोर्ट बुक करना इज़ वन ऑफ द एक्सपेंस. देन आई गो टू स्विमिंग. तो ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते. एंड इट विल बी समवेयर अराउंड 1,000 बिकॉज यूजली वेन एवर आई गो विद समवन एल्स तो थोड़ा सा शेयरिंग हो जाती है. इट इज़ अराउंड 1,000 पर मंथ. ओके, उसके बाद शॉपिंग वगैरह. समटाइम आई गो शॉपिंग, गेट सम टी शर्ट और शूज़ और वट एवर. सो उसमें थोड़े बहुत एक्सपेंसेस आ जाते हैं विच इज़ अराउंड 5,000 पर मंथ. अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत खर्चा तो बनता ही है, राइट. सो आई एम स्पेंडिंग अराउंड 46,000 to 50,000 लिविंग इन बैंगलोर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज बैंगलोर में थोड़ी सी महंगाई है. एंड द सेकेंड थिंग इज आई एम लिविंग अलोन.
अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो आपके काफ़ी सारे एक्सपेंसेस शेयर हो जाते हैं। अब यार लोग अपने एक्सपेंसेस अंडर 20,000 भी ला सकते हैं, देर आर पीपल लिविंग विद दिस एक्सपेंस, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे खर्चा करते हैं। तो यार ये तो हो गया खर्चा, अब बची हुई सैलरी से क्या करते हो? तो बची हुई सैलरी को आई डिवाइड इनटू टू पार्ट्स 80-20 रेशियो के। 20% आई कीप इट एज अ लिक्विड मनी, कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी में या फिर कभी कुछ खरीदना है, सो आई कीप इट लिक्विड। एंड द 80% ऑफ रिमेनिंग आई इन्वेस्ट दैट, ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, बहुत ही सेफ प्रोजेक्ट्स में, बहुत ही सेफ म्यूचुअल फंड्स वगैरह में आई इन्वेस्ट। तो अभी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट विद टाइम आई विल गेन दैट नॉलेज एंड बहुत ही अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे उसके बाद फिर, ठीक है। सो दीज आर माई एक्सपेंसेस, बट सबके इंडिविजुअल एक्सपेंसेस होते हैं लिविंग इन बैंगलोर। आई गिव यू अ ब्रॉड आइडिया। सो यस, दिस इज इट फॉर द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।